मेरे ख्वाबों ख्यालों में मेरे पास रहो, तुम मेरे सारे सवालों में मेरे पास रहो। मेरे ख्वाबों ख्यालों में मेरे पास रहो, तुम मेरे सारे सवालों में मेरे पास रहो। कभी खुशबू कभी साया कभी पैकर बनकर, सभी हिजरों में विसालों में मेरे पास रहो। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, स्वागत है आप सभी का निशिगंधा में। और हाँ, आज है मैरी क्रिसमस, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। Coming along,
नई दुनिया बसाना या फिर किसी भी एक अच्छी सी तारीख को याद करना, उसे सेलिब्रेट करना, है ना, कितना अच्छा लगता है ना। बड़ा दिन मनाना, क्रिसमस मनाना, त्योहार मनाना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन यानी क्रिसमस का दिन क्यों मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। आज ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इस दिन को लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। ऐसा ही कोई सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में भी है, कोई भी ऐसा दिन जिसे आप कभी ना भूल पाए, बताइए ना। बहुत ही आसान है, मेरे पास एक व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना, 9868687533। बहुत आसान है, 9868687533। इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करके मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा दिन है जिसे आप बड़े दिन की तरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और नहीं भी मनाते हैं तो अंदर से याद करके खुश बहुत होते हैं। खुश तो बहुत होंगे तुम, हाँ। चलिए फिलहाल आप खुश तो वैसे भी होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक से बढ़कर एक गाने सुनाने वाली हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा गाना, कहीं ना जाना, सुनते रहना FM गोल्ड।
फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, शबनम के साथ हैं आप। वक्त हो चला है 1:22, कितनी जल्दी से ये वक्त निकल जाता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो वक्त हमें मिला है एक दूसरे के साथ, इस वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी कॉल आई थी, कॉल क्यों अटेंड की आपने जब हमें मना किया, ऐसा कुछ आप सोच रहे होंगे है ना, लेकिन मैं बता देती हूँ। रामपाल सिंह भदौरिया जी का मैसेज हमारे पास आया और कॉल आई, मतलब इनकी हमारे पास, और एक्चुअली ये देख नहीं पाते हैं आंखों से, इसीलिए शिकायत कर रहे थे कि व्हाट्सएप कैसे करें आपको। कोई बात नहीं, आपकी कॉल हमने अटेंड कर ली है, बहुत बहुत शुक्रिया। भजनपुरा दिल्ली से इनका मैसेज आया था और बहुत खुशी हुई आपने हमें कॉल किया, और शिकायत मत रखा कीजिए, हमें भी बहुत सारे काम करने होते हैं, गाने भी सुनाने होते हैं, सोचना भी पड़ता है कि क्या क्या बोलें है ना, कुछ गलत भी नहीं बोल सकते हैं, गाना भी गलत नहीं बजा सकते, इसीलिए कभी कभी होता है कि कुछ लोगों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। खैर फिलहाल तो मैं आपका पूरा ख्याल रखती हूँ, और मैंने एक बहुत ही अच्छा सा गाना अगला आपके लिए चुन के रखा है जो कि क्रिसमस के मूड को बनाए रखेगा है ना, चलो सुनते हैं। और आप भूल मत जाना, मुझे ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा दिन कौन सा है, कौन सा एक दिन है जिसे आप बहुत खुशी से मनाते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9868687533। जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया, अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता।
बातें क्या तू छुप खोली थी। मम्मी से पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो। जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। जॉनी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी के वो दिन थे या सर्दी की रातें। क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए, हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। हा जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। जब हाँ बोली तू क्या वो पास आया था। हाँ? ओ मैं डार्लिंग कहकर क्या गले लगाया था। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो। जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा ये बता। सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी, और अब आप सुनने वाले ढेर सारे मैसेजेस। शाहरुख उस्मान है यार शाहरुख उस्मान देलवी का संदेश हमारे पास आया है, और ये कहते हैं कि आप कोरोना से बचें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं अगर साथ रहीं तो हम ज़रूर सलामत रहेंगे। नितिन मकराना राजस्थान से हमें लिख रहे थे। इसके अलावा ध्रुव तिवारी का संदेश हमारे पास आया है, वो कहते हैं कि महाशिवरात्रि का जो दिन है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा दिन है। इसके अलावा अश्विनी का मैसेज हमारे पास आया है यूएसए से, और कहते हैं कि आप सभी को मैरी क्रिसमस, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की। और 22 दिसंबर उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता है, क्योंकि 22 दिसंबर उनका बर्थडे होता है, यानी कि अभी रिसेंटली इन्होंने अपना बर्थडे मनाया है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। सुरेंद्र कुलहरी का संदेश हमारे पास आया है चुरू राजस्थान से, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। जब कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत शर्म आती है, इसलिए मैं तारीफ वाला पूरा मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, है ना
खैर आप यूं ही तारीफें करते रहें, यूं ही मोहब्बत देते रहें, और आपको प्रोग्राम कैसा लगता है हमारा ये हमें ज़रूर बताएं। बताने का तरीका बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप तो आप हमें करते ही हैं, साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldair@gmail.com। वैसे फिलहाल मैं चलाने वाली हूँ एक गाना, आप कहीं ना जाना, हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताना कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, बताओ ना। फिलहाल तो मैं चलाती हूँ ये गाना, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी आएगा। नसीब में तू है ते नहीं, तेरे नसीब
आपके नसीब में वो सब कुछ होने वाला है जो आप आज चाहेंगे। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस की रात में जो भी कुछ आप मांगते हैं ऊपर वाले से, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। सच्चे मन से दुआ कीजिए, क्या पता मिल जाए। हाँ चले, फिलहाल तो मुझे मिल गया है एक मैसेज जिसका मुझे इंतज़ार था। बहुत ही प्यारा सा, बहुत बड़ा सा मैसेज है और ये मैसेज बहुत दूर से हमारे पास आया है। नाइजीरिया से ये मैसेज हमें भेजा है डॉक्टर दीप नारायण अग्रवाल ने। कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है दीपावली। उसके दो कारण हैं, एक तो मैं दीपावली के दिन पैदा हुआ था और वैसे भी दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए ये मुझे अच्छा लगता है। भारत में मेरे सभी मित्रों को बड़ा दिन और नई सरकार की शुभकामनाएं। वाह जी वाह, क्या बात है, एक ही संदेश में इतनी सारी बातें आपने कह दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये संदेश इतनी दूर से रवाना करने के लिए। मैं भी एक गाना आपको सुनाऊंगी। हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारे पास में आया है रवि का। रवि हमें दिल्ली से लिखते हैं और कहते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है मेरी शादी की सालगिरह। आहा, बड़ी हिम्मत है आप में। मतलब अक्सर ऐसा लोग कहते नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। चलिए, आपकी मोहब्बत यूं ही बनी रहे। फिलहाल तो आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि मैं चलाने वाली हूं एक गाना। कहीं ना जाना, सुनते रहना FM गोल्ड। दूं तुम्हें हाँ या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है क्या है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरू तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। बताऊं हाँ। सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु।
मेरा भी वादा था कि आप मुझे संदेश भेजिए और मैं आपके संदेश को पढ़ के सुनाने वाली हूँ। और मेरे पास बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा मैसेज आया है। सबसे पहले कहा है इन्होंने हैप्पी क्रिसमस डे, फिर कहते हैं दो गज की दूरी है जरूरी, वाह क्या बात है। फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा दिन है जब मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और वो दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही कीमती दिनों में से एक होता है जब मैं रक्त दान करके आता हूँ। किसी की मदद करते वक्त मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी खुशी का दिन तब होता है जब आपका कार्यक्रम सुनने को मिल जाता है। इनका नाम है फैजल इमाम और ये हमें लिख रहे हैं अररिया बिहार से। मतलब इतना सारा प्यार आपने भेजा है एक ही संदेश में, वाकई में बहुत 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 ढेर 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 सारा शुक्रिया। और हाँ, ये सिर्फ खाली हम शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, आपको एक बड़ा सा गाना आपके बड़े से मैसेज के बदले सुनाने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगी आपको और साथ ही साथ एक और मैसेज भी पढ़ देती हूँ मैं, दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, मनाना पड़ता है फिर, है ना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति है। इस दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं और पूरे भारत का आकाश अलग अलग रंगों से भर जाता है और थोड़े दिन में ही ये दिन आने वाला है। राजदीप जोशी का मैसेज है ये राजकोट से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे बाकी लोग भी संदेश भेज सकते हैं, अभी वक्त है प्रोग्राम के खत्म होने में, उसके बाद भी मैं आऊंगी लेकिन तब ऐसे मैसेज नहीं पढ़ने वाली हूँ। व्हाट्सएप करके बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा है। 9868687553 जल्दी से बता दो। और हाँ, ये गाना जरूर सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी पसंद आएगा। हाँ, मुश्किल है जीना इसका, जो हो तो हर दर्द
किसका जो है तो हर घर से एक हीरा हर एक गम है नगीना इसका जी हाल मस्ती रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है पता है जिस दिन भी मेरा प्रोग्राम होता है उस दिन सबसे बड़ा जो मेरे साथ होता है इत्तेफाक वो ये होता है कि मेरे गले में दिक्कत होती है। हाँ आज भी मैं बहुत ही दम लगा लगा कर बोल रही हूँ। वैसे भी सर्दी के दिन है और गला बेहद ख़राब है मेरा, लेकिन हाँ आपके दिल की जो बातें हैं आपके संदेश के ज़रिए मेरे पास पहुँच रही हैं और मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ और आप भी रखते होंगे कि एक दूसरे की बातें हम समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से। हाँ मैंने कहा था आपसे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो आपने ढेर सारे मैसेजेस किए। तो भले ही मेरी आवाज़ ख़राब है आज, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ आपके पास तक पहुंच रही है और आपकी मेरे पास पहुंच रही है। फिलहाल तो आकिल का संदेश हमारे पास आया है सहसवान से, मैरी क्रिसमस। उन्होंने कहा है आप सभी को। सरोज बंसल, अनूप कौर हमें लिखती हैं दोनों मिलकर गुरुग्राम से। सत श्री अकाल भी उन्होंने हमें कहा है। हाँ जी सत श्री अकाल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आपने हमें ग्रीट किया। रवि का संदेश हमारे पास दिल्ली से आया है। मैरी क्रिसमस उन्होंने कहा है।
और एक और आबिद का संदेश हमारे पास पहुंचा है और आबिद हमें बिहार से लिखते हैं। बिहार से बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं, है ना, अच्छा लगता है। चलिए पूरे देशवासियों को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस। और सामने ये कौन आया, ये गाना है ना, मैं आपको सुनाने वाली हूँ, आप कहीं ना जाना, सुनते रहना FM गोल्ड। हाँ सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, पर हमसे घुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवान, तो भला दूर कैसे रहे, माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मजदूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे, माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मजदूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। ही आंखों में बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी, सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी किसी दिन मेहरबान होगी। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में कभी जान पहचान होगी, सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी किसी दिन मेहरबान होगी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हम कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम निशिगंधा पसंद आया होगा। अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। वैसे अगले प्रोग्राम में 2:10 पर आपका इंतज़ार रहेगा। फिलहाल FM गोल्ड पर आइए मिलकर सुनते हैं समाचार। आज की